वेलकम माई वेरी प्रीशियस स्पाइसीज। मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए पाइसीज। आई होप आप सभी खुश हो लाइफ में, अच्छा कर रहे हो लाइफ में, और स्पेशली बहुत सारा प्यार उन लोगों के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। मेरा बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, आप सब हेल्प कर रहे हैं चैनल को। और इस रीडिंग में हम क्या करेंगे एग्जैक्टली, तो इस रीडिंग में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल लाइफ की एनर्जीज़ क्या है, वो किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। फिर हम ये देखेंगे कि वो आपके टूवर्ड्स क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, आपको कैसे देख रहे हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो आपके टूवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं पाइसीज। और उसके बाद मैं आपको साइंस बताऊंगी, उसके बाद हम ये भी कार्ड्स निकालेंगे कि यूनिवर्स का क्या कहना है इस कनेक्शन को लेके, और उसके बाद हम अल्फाबेट्स भी निकालेंगे। सो या, और आपके कार्ड्स मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से शफल करके रखे हुए हैं, सो आई विल गिव इट वन मोर लास्ट शफल। शुरू करने से पहले यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली। वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, वी हैव थ्री ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ वांड्स, द हर्मिट, किंग ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे फायर बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। व्हाट डस इट मीन कि फायर बहुत ज़्यादा दिख रहा है? आपके पर्सन बहुत ही एग्रेसिव और पैशनेट एनर्जी में स्टैंड करें, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पर्सन पाइसिस ऐसी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे वो यूनिवर्स से, डिवाइन से, या फिर जिस भी एनर्जी में वो बिलीव रखते हैं उनसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं। स्पिरिचुअल साइड पे इंक्लाइंड दिख रहे हैं या फिर रिलीजियस साइड पे इंक्लाइंड दिख रहे हैं, और प्रेयर्स कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जो भी ये फॉलो करते हैं वो चीज़ करते हुए दिख रहे हैं। और लाइफ में बहुत सारे आंसर्स भी सीख कर रहे हैं। तो अभी आपके पर्सन का ऐसा एक फेज़ दिख रहा है जहाँ पे वो डिवाइन में बहुत ही यकीन रख रहे हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे इनका ये वाला फेस भी दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ों के इन्हें आंसर्स चाहिए। लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, उसके आंसर्स भी जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। साथ में यहाँ पे किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार चल रहा है। तो अब अगर इन्होंने किसी चीज़ में बहुत एफर्ट लगाए हैं पिछले कुछ समय से, तो ये उसका रिज़ल्ट चाहते हैं अब, या फिर अगर ये बहुत ही समय से किसी चीज़ को लेके मेहनत कर रहे हैं तो उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो यहाँ पे इंतज़ार, बेसब्री से इंतज़ार दिख रहा है किसी चीज़ के होने का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है, जो उनकी डिज़ायर है, जो उनकी विश है, उसी की वजह से ये स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं कि इन्हें वो चीज़ चाहिए। शायद से अगर ये मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखते हो तो वो फॉलो कर रहे हो। और अभी मुझे ऐसी भी एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पर्सन की चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इनकी डिज़ायर है कि घूमने जाएं, नई नई जगह पे जाएं, नए लोगों से मिले और अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करें लाइफ में। ओवरऑल इनकी जो एनर्जी दिख रही है वो एग्जैक्टली मैं कैसे बताऊँ आपको, यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स है। लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट और एडवेंचर चाह रहे हैं, एक्साइटमेंट और एडवेंचर, यस। ये देखें यहाँ पे पर्सन प्लानिंग कर रहा है दुनिया घूमने की, सो वो सीख करते हुए दिख रहे हैं। और थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हैं, कुछ इन्हें लाइफ में डिसीजंस अगर लेने हैं पाइसिस तो बहुत अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अभी। आपके पर्सन में एक सीकर मोड में दिख रहे हैं, मतलब मैं बहुत डेप्थ में जा रही हूँ बट मेरा मन कर रहा है जाने का, तो सीकर वाले मोड में दिख रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं कुछ, मतलब या तो एक लाइफ में फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हैं, मतलब एक खालीपन है, उसको खालीपन को पूरा कैसे किया जाए, उस खालीपन से बाहर कैसे निकला जाए। तो अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए भी दिख रहे हैं,
कोशिश कर रहे हैं लाइफ को फिगर आउट करने की, कोशिश कर रहे हैं लाइफ के डीपर मीनिंग को जानने की. अब आपकी फीलिंग्स में टैप कर के वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं उसके पहले मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं बताना भूल गई थी, एक जनरल रीडिंग है. यू मे और मे नॉट रेजोनेट. और दूसरी चीज़ कि एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल. तो अगर कई बार ऐसा होता है कि मैं आपकी बात कर रही हूँ तो एक्चुअली वो आपके पर्सन की हो, या फिर आपके पर्सन के बारे में बता रही हूँ तो वो आपकी भी हो सकती है, खासकर जब आप क्रॉस वॉच करते हैं तो. ठीक है, यहाँ पे आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? फर्स्ट कार्ड आया है द एम्प्रेस, विच इज़ अ नाइस कार्ड. सो और क्या फील कर रहे हैं? मतलब कार्ड्स ऐसे जंप हो रहे हैं, नहीं ले रही मैं जंप. ओके, यूनिवर्स प्लीज शो अस वेरी क्लियरली. ओ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड पाइसिस, बहुत ज्यादा प्यारे कार्ड्स हैं. ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? आपको कैसे देख रहे हैं? आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहे हैं. पाइसीज, सबसे पहले तो आपके पर्सन, यहाँ पे एक आर्क टाइप आया है, क्वीन ऑफ कप्स. क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही लविंग क्वीन होती है, क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही नर्चरिंग क्वीन होती है. अब आपके पर्सन, आप मेल हो या फीमेल हो, क्वीन ऑफ कप्स सिर्फ एक एनर्जी होती है, तो आप पे भी एप्लीकेबल है. और चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स बता रही है कि आपको ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो उनका बहुत ही ध्यान रखता है, उनको अटेंशन देता है, उनको सपोर्ट करता है, उनके लिए बहुत ही इमोशनल है. मतलब क्वीन ऑफ कप्स ना बहुत ही नर्चरिंग मदरली फिगर होती है. तो नॉट नेसेसरली ये मदर हों, बट कई बार जब हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो हम बहुत सारा प्यार देते हैं अपने पर्सन को, उनका ध्यान रखते हैं, तो वो आपको उस तरीके से देख रहे हैं. और यहाँ पे एम्प्रेस भी है. सबसे पहले द एम्प्रेस आई थी, जो कि बता रही है कि आपका इस पर्सन के साथ में कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड होते हुए दिख रहा है. द एम्प्रेस जब आती है तो वो बताती है कि आप एक नया एस्टैब्लिशमेंट रख रहे हो, एक नई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, या फिर आपकी डिज़ायर है कि आप कुछ कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग परमानेंट लॉन्ग टर्म कनेक्शन किसी के साथ फॉर्म करें. तो आपके पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं आपके लिए? ये फील कर रहे हैं कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, बहुत ही परमानेंट कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं. मतलब ये शादी वाली एनर्जी है, एंगेजमेंट वाली एनर्जी है, लॉन्ग टर्म साथ में रहने वाली एनर्जी है. और जब एम्प्रेस आती है तो फर्टिलिटी भी बताती है. तो यहाँ पे अगेन आप मेल हैं या फीमेल हैं, फर्टिलिटी का मतलब नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू चाइल्ड. फर्टिलिटी का मतलब ये भी होता है कि आपके पर्सन चाह रहे हैं कि वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करें, शादी करें और घर क्रिएट करें, फैमिली क्रिएट करें आपके साथ में. और तो ये बहुत ही एक बहुत ही प्यारी एनर्जी है यहाँ पे. और ये जो घर और फैमिली क्रिएट करने वाली बात है पाइसिस, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल भी आया है. सो अगेन हमें फर्दर एक कंफर्मेशन मिला है. 10 ऑफ पेंटिकल अगेन बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं. तो अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो ये परफेक्ट हैप्पी फैमिली वाला कार्ड है, जहाँ पे घर भी है, बच्चे भी हैं, पेट्स भी हैं, और अबंडेंस भी है, पैसा भी है. तो आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल फील करते हैं, मतलब कि आपके साथ में ये क्रिएट करना चाहते हैं जो इस कार्ड में दिख रहा है. ठीक है, और यहाँ पे फील ऑफ फॉर्चून भी है, मतलब कि इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, क्लेम करो इसे. यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है. व्हील ऑफ फॉर्चून जब फीलिंग्स में आता है तो ये अब आपके पर्सन की ऐसी फीलिंग्स बता रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि यू आर डेस्टिन टू बी विथ ईच अदर. मतलब कि आपकी डेस्टिनी, इनकी डेस्टिनी आपके साथ में जुड़ी हुई है. और ये जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है. अगेन आपके पर्सन मेरे ख्याल से स्पिरिचुअली इतना कनेक्ट कर रहे हैं कि आपके साथ भी आपको भी या आपके कनेक्शन को भी स्पिरिचुअल लेवल पे देख रहे हैं. मतलब शायद ये सोलमेट्स में बिलीव करते हों, या फिर ट्विन फ्लेम में बिलीव करते हैं. और व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी इन्हें लगता है कि अगर ये आपके साथ रहेंगे तो
इनकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी और इनकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आएगी या फिर अबंडेंस आएगा. सो अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आके बहुत ही अच्छी बातें बता रहा है. और यहाँ पे द फूल भी है. फूल इनकी डिज़ायर बता रहा है आपके साथ एक नए जर्नी पे जाने की, लीप ऑफ फेथ लेने की, आप पे भरोसा रखने की, इस कनेक्शन पे भरोसा रखने की. तो यहाँ पे आपके साथ कुछ शुरू करना चाहते हैं, जर्नी शुरू करना चाहते हैं जो अल्टीमेटली 10 ऑफ पेंटिकल पे आप दोनों को लेके जाएगी. वाह, इतने स्वीट से कार्ड्स हैं. अब देखते हैं कि क्या एक्शन. ये तो इनकी फीलिंग्स है जो ये मन में फील कर रहे हैं, ये इनके थॉट्स में हैं, ये आप यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सो अब हम देखते हैं कि ये क्या एक्शन ले सकते हैं आपके टूवर्ड्स, क्या स्टेप्स ले सकते हैं. सो प्लीज़ यूनिवर्स, शो अस क्लियरली, शो अस क्लियरली. आज बच्चे इतना शोर कर रहे हैं बाहर, मैं शाम को रिकॉर्ड कर रही हूँ इसीलिए बहुत ही आपको हो सकता है कि बैकग्राउंड में आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस सुनाई दे. और आई थिंक कल मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम आपकी ईयर 2023 की लव स्टोरी देखेंगे. तो 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है. तो या सो सब्सक्राइब. सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज नाइट ऑफ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स मुझे शफल करते टाइम भी दिखा था. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग मैन, ओ फोर ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स. ओ माय पाइसीज, क्या हो रहा है? तो यहाँ पे थॉट्स में इतनी प्यारी चीज़ें हैं पर आपको शो क्या कर रहे हैं, आपको शो कुछ और ही कर रहे हैं. यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है तो आपके पर्सन आपसे नाराज़ दिख रहे हैं पाइसीज. और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ तो झगड़ा किया है या फिर कॉन्फ्लिक्ट किया है. यहाँ पे जिस तरीके से ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के पास जा रहा है, ये लड़ने के मूड में है दोनों. तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपका इनसे चल रहा है और कुछ लड़ाई झगड़े आपने किए हैं. आपने कुछ ऐसी बात बोली है जो इन्हें बुरी लगी है, इन्होंने आपको कुछ ऐसी बात बोली है जो आपको बुरी लगी है. और यहाँ पे वो जो गुस्सा है ना, वो स्टक है इनके दिल में, गुस्सा है, नाराज़ है आपसे. और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पे दिख रही है तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि पास्ट में आप लोगों ने शायद एक दूसरे को हर्ट किया है, उसके कारण क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कैसी होती? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स लड़ने के लिए बैठी रहती है, तैयार रहती है. ज़रा सा भी ट्रिगर कर दो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को तो वो झगड़ा करने के लिए रेडी होती है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं. तो अब हो सकता है ये पर्सन बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है. तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि या तो आपके साथ इनका जो पास्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, या फिर इनका पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है जिसके कारण इन्हें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, लोगों पे इजीली ये ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं. तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, और बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है, थोड़े से एग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं और गुस्सा भरा हुआ है अंदर और उसके बाद द हैंगमैन है. और हैंगमैन बता रहे कि ये इस एनर्जी में स्टक है. तो मतलब अभी ये बहुत ज़्यादा, मतलब इनके थॉट्स में ये आता है पर एक्शन जब लेना होता है तो ये कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, ये एक्शन में बंधे हुए दिख रहे हैं. इनको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या एक्शन लेना है. मतलब यहाँ पे पूरे तरीके से जो डिफरेंस दिख रहा है वो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का दिख रहा है, या फिर थॉट्स और एक्शन का दिख रहा है. जैसे कि कई बार हमारे थॉट्स अच्छे होते हैं बट हम थॉट्स के टुवर्ड एक्शन नहीं लेते हैं किसी ना किसी वजह से. तो यहाँ पे स्टक दिख रहे हैं, कुछ एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं दिख रहे हैं. और फोर ऑफ पेंटिकल भी आया है. दोनों एनर्जी स्पाइसेस स्टक एनर्जीज हैं. यहाँ पे द हैंगमैन भी यहाँ पे लटका हुआ है उल्टा. फोर ऑफ पेंटिकल भी जो नेगेटिव चीज़ है उसको पकड़ के रखी हुई है फोर ऑफ पेंटिकल ने. हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ मनी का इन्वॉल्वमेंट भी हो. तो यहाँ पे आप
दोनों में से किसी एक पर्सन को बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी की ज़रूरत है, बाइसिस मेच्योर डिसीजंस लेने की ज़रूरत है. मतलब कि इट्स लाइक कि कुछ ऐसी एनर्जी है कि कुछ पास्ट में हुआ और दिल पे लेके बैठ गए, वही वही सोच रहे हैं, वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है. और साथ में आपके पर्सन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी दिख रहे हैं. ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज नो डाउट कंफ्यूज्ड. ये टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन के दिमाग में दिमाग में कुछ और है और दिल में कुछ और है. यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल अगेन बता रहा है कि आपके साथ में लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं. ये किंग ऑफ पेंटिकल कौन है, कौन है ये किंग ऑफ पेंटिकल? ये किंग ऑफ पेंटिकल ये किंग है यहाँ पे, देखो जैसे बैठा हुआ है. एक तरीके से तो जो पिछला हुआ है वो चीज़ भी बॉदर कर रही है, पर फिर साथ में भी आपके रहना है और लॉन्ग टर्म भी सोच रहे हैं. दोनों चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं. और यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स भी है. सिक्स ऑफ सॉर्ड्स इनका डिज़ायर बता रहा है कि ये यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, उससे निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये जो स्टक एनर्जी इसको रिलीज़ करना चाहते हैं, बट इन्हें उस चीज़ को करने में डिफ़िकल्टी हो रही है. तो मतलब जो हुआ है माफ़ भी करना है, भूलना भी है, पर मुश्किल हो रही है भूलने में, माफ़ करने में मुश्किल हो रही है, पुरानी बातों को भुलाने में मुश्किल हो रही है. जो दिल में चल रहा है वो शो नहीं कर रहे हैं. आपकी पर्सन बहुत ही लॉजिकल सोच रहे हैं अभी, दिल से नहीं सोच रहे हैं. मतलब डिसीजन दिल से नहीं ले रहे हैं, सोच तो वो दिल से रहे हैं, पर डिसीजन जो लेना, जो एक्शन लेना है, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं. समझ रहे हो आप क्या हो रहा है यहाँ पे? अब मुझे यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं सिचुएशन के बारे में वो देखते हैं. ओके यूनिवर्स, शो अस वेरी क्लियरली. रिकंसिडर का कार्ड आया है. ओ माय, यहाँ पे रिकंसिडर मतलब कि फिर से सोचिए. अगर आपने कोई डिसीजन लिया है इस पर्सन के लिए, या फिर इस पर्सन के बारे में, या फिर इस पर्सन ने आपके लिए कोई गलत डिसीजन लिया है, तो अपने डिसीजन को चेंज करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने डिसीजन को चेंज करो, वापस से सोचो, रिकंसिडर करो. रिकंसिडर करना है किसी ऐसी चीज़ को जो आप दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, बदलना है किसी चीज़ को जो आप दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं. ट्रस्ट. ओके पाइसिस, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ट्रस्ट रखने के लिए भी बोल रहे हैं कि ट्रस्ट रखिए, चीज़ें बेटर होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी. क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है, एक्शंस में कुछ टोटली डिफरेंट चल रहा है. अब मैं आपको साइंस बता देती हूँ और हम अल्फाबेट्स देखते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ मैं अभी नोटिस कर रही हूँ, मेरे को आपके साइंस देख रही थी. यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर अरकानाज नहीं है, तो अगर आप दोनों के बीच में अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज नहीं है, छोटे मोटे इश्यूज ही हैं. मतलब वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है. यहाँ पे दो मेजर अरकानाज है, दो इम्पॉर्टेंट साइंस दिख रहे हैं. एक तो वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, मतलब कन्या राशि. उसके बाद यहाँ पे सैजिटेरियस मुझे स्ट्रांग दिख रहे हैं, मतलब कि धनु राशि है यहाँ पे. यहाँ पे बहुत सारे सॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है, मतलब कि मिथुन राशि है यहाँ पे, लिब्रा इस तुला राशि एंड एक्वेरियस इस कुंभ राशि. और यहाँ पे फायर भी बहुत ही स्ट्रांग है, तो आपके पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, मतलब कि मेष राशि, लियो इस सिंह राशि एंड सैजिटेरियस इस धनु राशि. और क्या दिख रहा है यहाँ पे? हाँ यहाँ पे कैंसर, पाइसीज और स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है आपके पर्सन भी पाइसीज हों या फिर कैंसर हों, कर्क राशि एंड स्कॉर्पियो इज वृश्चिक राशि. ओके यहाँ पे कुछ और साइंस आए हैं. यहाँ पे सैजिटेरियस आए हैं फिर से, मतलब धनु राशि. यहाँ पे कैंसर आए हैं फिर से, कर्क राशि. जेमिनाई आए हैं, मतलब जेमिनाई इज मिथुन राशि, राइट? एंड द लेटर्स वी हैव आर एन ई जी डी ओ आई एम एम फिर से ई टी ए ओ एच आर ई पी एन ए एस वी
ओ ए आर एफ। तो आप देख लीजिए, हो सकता है आपको आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल जाए या फिर उनका पूरा नाम मिल जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस स्पाइसीज, और अपना बहुत 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 ध्यान रखिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।